हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ब्रिज कंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चैनल पर, जो कि ऑपरेट किया जा रहा है सिविल गुरु जी के द्वारा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने मेरे वीडियो सिविल गुरु जी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखे होंगे, आप लोग की लर्निंग को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, और ज्यादा क्वालिटी ऑफ नॉलेज आप लोग को प्रोवाइड करने के लिए, और ज्यादा सिविल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट आप लोग को देने के लिए ब्रिज और हाईवे से रिलेटेड टॉपिक्स को सिविल गुरुजी ने आप लोग के लिए ब्रिज कंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चैनल पर लेकर आया गया है। जल्दी से जुड़ जाइए, जितने भी लोग यहां पर अवेलेबल हैं, अभी तक हम देख रहे हैं कि आंकड़ा कम है, अभी आप धीरे से जल्दी से सभी आ जाइए और अपने दोस्तों को, कलीग्स, मेंबर को शेयर कर दीजिए। यदि आप जानना चाहते हैं पाइल का बार बेंडिंग शेड्यूल का कटिंग लेंथ किस तरह से निकाला जाता है, आज हम उसी के बारे में जानेंगे इस ड्रॉइंग को पढ़ते हुए। तो आप सभी लोगों से, जितने भी लोग यहां पर बैठे हुए हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आवाज मेरा आप लोगों तक सही पहुंच पा रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर यस जरूर लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में आकर यस जरूर लिखिएगा। ये जो ड्राइंग्स हैं, ये भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा मैं, कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी, पूरा डिटेल बताऊंगा इसमें अवेलेबल। एक 3D मॉडल्स कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे मिलेंगे, आप लोग को जरूर बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिए। यदि आपको मेरा आवाज आ रहा है और वीडियो को लाइक करते चलिए यार, वीडियो को लाइक जल्दी से, जब स्टार्ट करते हैं आज के चैनल, आज के वीडियो को। यस, हाय, हेलो, आर ए डिजिटल स्टूडियो, विवेक रवि एडिट्स, यस सर आ रहा है, बिल्कुल धन्यवाद। तो लगभग सभी को हमारा आवाज आ रहा है, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। मैं आप लोग को इस वीडियो के लास्ट तक ये बताऊंगा कि ये ड्राइंग और 3D मॉडल्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कहां मिल सकते हैं, इसलिए बने रहिएगा इस पूरे सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं यहां पर एक ड्राइंग है, जो कि ब्रिज कंस्ट्रक्शन का ड्राइंग हमको दिख रहा है। जैसे कि हम यहां पर आगे चले तो नीचे आते हैं, पहले नीचे चलते हैं और नीचे चल के हम यहां देखते हैं। तो यहां जो दिख रहा है आपको, ये है पाइल, ये बेसिकली पाइल है। लेकिन पाइल जानने से पहले, पाइल से भी पहले हमें जानना पड़ेगा कि नंबर ऑफ पाइल हैं कितने यहां पर। तो यहां पर देखिए आप लोग, इधर दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिएगा ध्यान से, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं आप लोग की डिमांड पे। यहां पर देखिए, अब आपको पूरा क्लियर दिखेगा, ये फिर से वही हो गया, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके आप लोग को दिखाता हूं। ये देखिए यहां पर आ चुका है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, ये हो गया। अब ध्यान से देखिएगा यहां पर जो पाइल के हम कंडीशन ले रहे हैं, और पाइल की कंडीशन में हम किस तरह से इसको समझेंगे, पूरा डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। इस ड्राइंग को यहां से ये बैक ले लेते हैं पहले हम इसको, ये आ चुका वापस। अब देखिएगा यहां पर हमने क्या किया कि हमारे पास ये पाइल अवेलेबल है, और पाइल में आप देख रहे हैं कि इस तरफ ये पाइल का हमें सर्कुलर प्लान दिख रहा है। यहाँ पे सर्कुलर मतलब ऊपर से हम इसको देख पा रहे हैं। तो ये 6 मेंबर्स का पाइल है। कितने मेंबर्स का पाइल है दोस्तों? ये 6 मेंबर को मिलाकर क्या बना है? ये पाइल बना है। आप लोग जानते हैं ना कि जो फाउंडेशन होती है वो दो तरह की होती है, शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन हमने जाना अपने सिविल गुरुजी ऑफिशियल चैनल पे, हम बार बार उसके बारे में बात करते हैं आपसे। शैलो फाउंडेशन में रेक्टेंगल फुटिंग, ट्रेपेजोइडल फुटिंग, स्ट्रैप फुटिंग, स्टेप फुटिंग, राफ्ट और मैट, ये शैलो फाउंडेशन के एग्जांपल थे। लेकिन जब बात आ जाती है किसकी, ब्रिज कंस्ट्रक्शन की, तो यहां पर जनरली इस टाइप के फुटिंग्स होते हैं जो कि थोड़ा डीप में जाते हैं, हैवी स्ट्रक्चर्स आ गए यहां पर। तो इनके लिए पाइल मेंबर्स, जैसे डीप फाउंडेशन होती है इसमें पाइल है, पियर है, वेल फाउंडेशन है, ये बेसिकली दिया जाता है। हम सब की बात करेंगे, पाइल की बात भी करेंगे, पियर की बात भी करेंगे, वेल फाउंडेशन की बात करेंगे। डेली शाम को 6 बजे लाइव आएंगे आप सभी लोगों के लिए, और डेली शाम को 6 बजे हम लोग इसी चैनल पर लाइव मिलेंगे आप लोगों को। यदि मेरा प्रयास पसंद आ रहा है और ये इस वीडियो में आप लोग इस चीज को समझना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर यस लिखिएगा, अन्यथा आप नो भी लिख सकते हैं अगर नहीं सीखना चाहते। लेकिन शाम के 6 बजे हम आप लोग को सिखाने आएंगे। चलिए, 6 मेंबर का पाइल है ये, यहां पर हमें 6 मेंबर पाइल यहां पर दिख रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें इस तरह से दिखे रहे हैं, और साथ में जो पाइल कैप है बेसिकली उसका भी हमको साइज यहां पर दिया गया है, ये इसके बारे में आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले यहां से एक पाइल उठाया हमने और इसको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हमने देखा। देखिए लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कैसे दिख रहा है हमको, कुछ इस तरह से दिख रहा है, सामने से हम देख रहे हैं इसको, तो पीछे वाले पाइल तो छिप गया। अब इस वजह से हमें यहां पर जब हमने देखा तो ये हमको केवल 3 दिख रहे हैं, सबसे पहले 1, देन 2, देन 3। आप कहोगे सर यहां तो 6 थे मेंबर, तो भैया जो एक है ये इस चौथा पाइल, इसके पीछे क्या हो गया, छुप गया। जैसे कि मेरा हाथ आप देख रहे हो, ये एक हाथ दिख रहा है मेरा आपका, लेकिन इसके पीछे दूसरा हाथ भी रख दिया मैंने, लेकिन दूसरा हाथ आप नहीं देख पा रहे हो। रीजन, क्योंकि पहले वाले हाथ से आपने छोड़ दिया। लेकिन यहीं पर मैं एंगल चेंज कर दूं, अब तो दिख गया आपको,
तो यही है यहां पर 6 मेंबर ऑफ पाइल है, लेकिन 3 मेंबर ऑफ पाइल इस वजह से दिख रहे हैं क्योंकि पीछे यहां पर छिपा हुआ है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आपने देखा। अब यहां पर आप एक चीज देखिए कि यहां पर एक लेवल लिखा हुआ है, इस लेवल का नाम है ये COL लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये COL, देखिए यहां पर ये COL लिखा हुआ है। COL होता है कट ऑफ लेवल, क्या मतलब होता है इसका दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ मुझे, कट ऑफ लेवल COL इसको बोलते हैं। राम राम जी माय लाइफ, राम राम जी साहब, राम राम जी, देखिए कट ऑफ लेवल बोलते हैं इसको COL। अब इसके बाद आप देखेंगे यहां पर CC लिखा हुआ है, CC ऑफ पाइल टिपिकल, CC मतलब सेंटर टू सेंटर टिपिकल, मतलब ये जो लाइन है ये उस इंडिविजुअल पाइल जिसमें 6 मेंबर हैं उसका सेंटर टू सेंटर है, जिससे 3600 की दूरी इसके दूसरे पाइल के सेंटर तक दी गई है और 3600 की दूरी दूसरे पाइल के सेंटर तक दी गई है। उसके बाद आपका जो बाहरी सरफेस है सेंटर से वो है 850 mm का, सेम दूसरी तरफ भी 850 का, क्योंकि सेम सिमेट्री यहां पर क्या हो रही है फॉलो कर रही है भैया, ये मिरर है, ये क्या है मिरर कमांड, जैसे हम ऑटोकैड में पढ़ते हैं ये मिरर कमांड है कि जितना इधर उतना ही इधर दिया गया है। इसके रीजंस भी होते हैं स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट द्वारा, इसके रीजंस भी दिए जाते हैं एनालिसिस के टाइम पर, रीजन भी होते हैं, क्योंकि अगर हम सेंटर को, जो सेंटर है अगर उस पर कोई भी कॉलम या पाइल या पियर प्रोवाइड करते हैं तो 360 डिग्री इक्वली क्या होता है लोड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन यदि फॉर एग्जांपल सेंटर में चेंज कर दूं, इसे सेंट्रिक बना दूं फॉर एग्जांपल यहां पर, तो यहां पर क्या होगा लोड जो है एक जगह पे ज्यादा जाएगा और दूसरी पूरी हम फुटिंग्स पे लोड प्रोवाइड नहीं करवा सकते, इसलिए सेंटर पे देना बेहद जरूरी, सेंटर से दोनों तरफ हम सेम ही डिस्टेंस लेंगे। चलिए तो छोटी बात हो गई यहां पर, लेकिन अब जो जानने वाली बात है वो है यहां पर ये 10,665 को पाइल के बॉटम फेस से जो हम कट ऑफ लेवल तक गए हैं जिसमें 150 mm का PCC भी इंक्लूड है उसका डिस्टेंस दिया हुआ है 10,665। तो आप लोग यदि कॉपी पेन लेके बैठे हो, अगर नहीं बैठे हो तो भाई लेके बैठो, और अगर लेके बैठे हो तो वहां पर लिख लो कट ऑफ लेवल तक की जो लेंथ है पाइल की वो है 10,665। देखिए इसको मैं यहां लिख लेता हूं, आप लोग मेरे साथ अगर लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर भाई मैं यहां पर लिख रहा हूं इसमें लिख रहा हूं बोर्ड में, क्योंकि हम इसका बार बेंडिंग शेड्यूल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो कट ऑफ लेवल तक की जो हाइट है, कट ऑफ लेवल की जो हाइट है वो बेसिकली कितनी है 10,665। इसको दोबारा लिख देता हूं, 10,665 mm में है ये डिस्टेंस, किसमें दिया हुआ है mm में दिया हुआ है। यदि आप लोगों ने ड्राइंग रीडिंग्स के वीडियो नहीं देखे हैं, इससे पहले इसी चैनल पर लाइव सेशन विवेक कुमार गोंद सर के हुए हैं जिन्होंने आप लोग को ड्राइंग के जनरल नॉमन क्लेचर्स बताए हैं कि ये mm में दिया गया है, ये ड्राइंग बताता है आपको। तो हमने कट ऑफ लेवल ले लिया, और कट ऑफ लेवल तक की हाइट है किसकी पाइल की वो है 10,665 की। दूसरी हाइट जो हमें चाहिए वो चाहिए हमको कि भैया हमें यह पता चल जाए कि पाइल जो कैप है उसका हाइट कितना है। तो देखिए 10,665 के बाद यहां पर जो हाइट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1800। ये क्या है आपका, ये है पाइल कैप है, ये देखिए यहां पर लिखा भी है पाइल कैप है यहां पर ये। तो पाइल कैप का ये टॉप ऑफ पाइल कैप, देखिए टॉप ऑफ पाइल कैप, ये बॉटम ऑफ पाइल कैप, तो दोनों के बीच में जो दूरी है वो है 1800 mm की। तो इस ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को वापस जाके हम यहां पर लिख देंगे कि पाइल कैप जो दिया गया है भैया वो 1800 mm का दिया गया है, जो हाइट दी गई है 1800 mm। देखिए ये जो हम लिख रहे हैं यहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्यों, क्योंकि अभी हम बार बेंडिंग शेड्यूल सॉल्व कर रहे हैं, किसका पाइल की कटिंग लेंथ निकालना सीख रहे हैं, पाइल की कटिंग लेंथ निकालना सीख रहे हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट यदि आ रहा है कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं, आप लोग मुझे जरूर बताइए कोई भी डाउट आपके पास यहां पर आ रहा है, बिल्कुल डेफिनेटली। अब देखिए यहां पर पाइल कैप हमें आ गया 1800 mm का, फिर से चलते हैं वापस ड्राइंग के अंदर और ड्राइंग में जाके देखते हैं कि और क्या इंफॉर्मेशन हमको दी गई है। तो देखो ये इंफॉर्मेशन हमें यहां से दो इंफॉर्मेशन मिल गई, तो एक ड्राइंग और जाना पड़ेगा, यह है कॉन्क्रीट डिटेल, हमें जाना पड़ेगा एक रेनफोर्समेंट डिटेल के अंदर। तो यह रेनफोर्समेंट डिटेल की दूसरी ड्राइंग आ चुकी है, जैसा कि हम मैंने अभी आपको बताया कि हम सॉल्व कर रहे हैं पाइल, और इसके अलावा आप देखेंगे यहां पर अगर मैं इसमें यहां पर आपको दिखाऊं ये, तो यहां पर ध्यान से देखिएगा कि ये जो दिया गया है ये देखिए, ये इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूं और थोड़ा सा बड़ा करके आपके पास यहां लेके आता हूं। आप ध्यान से देखिएगा ब्रिज आपको ऐसी दिखता है, सबसे पहले ये पाइल, ये पाइल कैप, ये पियर और ये पियर कैप, इसके ऊपर आपके बियरिंग्स आती हैं, पेडस्टल आते हैं, उसके ऊपर डेक स्लैब, आपकी गाड़ियां वगैरह चलती हैं। आज हम बात करें इतने की, ये जो पाइल आपको देख पा रहा है पाइल कैप, कल बात करेंगे।
देन इसके बाद पियर और पियर कैप की भी आप से हम बातें करेंगे यहां पर। तो अब देखेंगे रेनफोर्समेंट डिटेल में जो समझने वाली बात है वो है आपके यहां पर जो साइड में आपको डिटेलिंग दी गई है। वो डिटेलिंग कहां है? वो डिटेलिंग यहां है, देखिए यहां पर दिखाता हूं आपको डिटेलिंग, आपको डिटेलिंग दिखाता हूं मैं यहां पर। ये देखिए शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट यहां पर लिखा हुआ है, शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट अगर दिख रहा है शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट आपको इस वीडियो के अंदर तो कमेंट बॉक्स में जाके यस जरूर लिख दो, तभी मैं आगे बढ़ता हूं। यहां पर जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें अगर आपको ये शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट दिख रहा है तो। चलिए ये शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट, अब यहां ध्यान से देखेंगे शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट में जो समझने वाली बात है। तो यहां पर आप देखिए यहां पर है सबसे पहले बार का मार्क, बार को इन नंबर के हिसाब से क्या किया गया है, मार्क किया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो यहां पर देखिए ये दिख भी रहा है, यहां पर देखिए ध्यान से यहां पर कैसे दिया हुआ है, ये क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, ऊपर से जो पाइल है सिलेंड्रिकल मेंबर होता है, पाइल जो होता है सिलेंड्रिकल मेंबर है उसको बीच में से कट कर दिया, कट करके जो आपको गोला दिख रहा है ये वो ये है आपके पास। अब यहां ध्यान से देखो ये जो आपको सर्कुलर दिख रहे हैं ये क्या है आपकी, ये जो बार आपको एक नंबर दिख रहा है ये है मेन बार, कौन सी बार है ये मेन बार जिसको बोला जाएगा वर्टिकल बार, इसको बोला जाएगा वर्टिकल बार बोला जाएगा इसको, एक नंबर ये है बार मार्क का मतलब। इसके बाद है दो नंबर, तो दो नंबर देखिए ध्यान से दो नंबर आउटर वाले सर्कल को क्या कर रहा है इंडिकेट कर रहा है, इसलिए दो नंबर का मतलब हो जाएगा आउटर रिंग, क्या मतलब हो जाएगा इसका आउटर रिंग, और तीन नंबर इनर वाले को डिनोट करा रहा है इसलिए इसका नंबर मार्क हो जाएगा आपका इनर रिंग, या फिर इसको बोला जाता है क्या बोला जाता है इसको इनर रिंग या जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग जल्दी बताइए, इनर रिंग या मास्टर रिंग क्या बोला जाता है इसको मास्टर रिंग, ठीक है इसको बोला जाता है मास्टर रिंग जो इनर रिंग है आपकी, और जो आउटर रिंग है इसको आप स्टीरप्स भी बोल सकते हैं बेसिकली। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। अब समस्या आती है, ये तो हम समझ गए तीन बार के बारे में, लेकिन ये दिखती कैसी है बार, उसके लिए चलते हैं हम 3D मॉडल के अंदर। देखिए तीन बार की बात की हमने, मेन बार दोबारा से देख ली, मेन बार ये जो गोला गोला दिख रहा है आपको, आउटर रिंग इनर रिंग, अब जरा इनके हम चलेंगे 3D मॉडल की ओर और देखेंगे किस तरह से ये बेसिकली दिखता है। तो देखिए मैंने 3D मॉडल, ये कहां मिलेंगे कैसे मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, वीडियो में बने रहो, इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कहां मिलने वाला है आपको ये। चलिए थोड़ा सा नीचे आएंगे और इस 3D मॉडल, सारे 3D मॉडल देने वाला हूं ये जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमने क्लिक हियर किया, क्लिक हियर फॉर मोर डिटेल, स्टील यार्ड एंड सेकंड वेरिएंट, तो भैया ये वेरिएंट है नीचे, इस पे क्लिक किया सेकंड वेरिएंट पे मैंने, दो नंबर आ गया, अब इस पे क्लिक कर सकता हूं मैं, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक करके आप देख रहे हैं वर्टिकल बार दिख रहा है, ये है वो वर्टिकल बार जिसकी हम बात कर रहे थे, वो वर्टिकल बार कौन सी है, ये है वो वर्टिकल बार, ये जो आपको दिख रहा है, इस वर्टिकल बार की हमको क्या निकालना है, कटिंग लेंथ निकालना है, इस वर्टिकल बार की क्या निकालेंगे हम, कटिंग लेंथ निकालेंगे, ये जो आपको बार दिख रही है बेसिकली, इसको यहां रख देता हूं मैं, ये देखिए ऐसे जैसे मैं चला रहा हूं अपने हाथों से आप भी इस वाले 3D मॉडल को चला सकते हैं। कहां मिलेगा कैसे मिलेगा फ्री में कहां मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, कहां आप फ्री में इस 3D मॉडल को एक्सेस कर सकते हो, इन ड्राइंग्स जो मैं पढ़ा रहा हूं ये कहां देख सकते हो, इसके लिए वीडियो में बने रहो, लास्ट तक बताऊंगा कहां मिलने वाला है। लाइक करते चलो यदि मेरा प्रयास पसंद आ रहा है आपको, और वीडियो को शेयर करते रहो यदि आप चाहते हो ये नॉलेज और लोगों तक भी जानी चाहिए। चलिए बात करेंगे इसकी, और यहां पर देखिए ध्यान से ये जो मॉडल आया, इस मॉडल में जो आप ये बार देख रहे हो यहां से लेके, इसमें कलर चेंज करता हूं, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये है 300 mm, ये कहां दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ड्राइंग में, ये दिया हुआ है आपके ड्राइंग में, दिखाऊंगा अभी मैं आपको एल ये। इसके बाद यहां से लेके यहां तक की लेंथ हमको क्या करनी है, आइडेंटिफाई करनी है, पता करनी है कितनी है लेंथ, ये यही कटिंग लेंथ निकालना आज के वीडियो में हम सीखने वाले, यही कटिंग लेंथ को निकालना सीखने वाले हम कटिंग लेंथ इसी बार की। अब ये एक बार नहीं है, ये दो बार नहीं है, ये नंबर ऑफ बार है, हमारे ड्रॉइंग में दिया हुआ 22 नंबर बार, कितनी 22। तो देखिए आपको करना क्या है, ये 3D मॉडल आपके पास अवेलेबल है, आप ये तीसरे नंबर पे क्लिक कर दो, चौथे नंबर पे क्लिक कर दो, पांचवें नंबर पे क्लिक कर दो, सिक्स नंबर पे क्लिक करो, देखो नंबर ऑफ बार बढ़ गई, ये बन गया आपका पाइल।
ये जो नंबर ऑफ बार आपकी बढ़ रही है, जो ब्लू कलर से दिख रही है, इन पे फोकस करना है बस। ये अंदर रिंग आई उसके बारे में बताऊंगा मैं अभी, लेकिन आप जो ये देख रहे हैं ये आपकी वर्टिकल बार दी गई है 22 नंबर। लिख लो जाके, देखो मैं गया यहां पर, यहां लिख दिया नंबर ऑफ वर्टिकल बार कितनी दी हुई है, 22 दी हुए हैं, नंबर ऑफ वर्टिकल बार दी हुए हैं 22, इसको जाके मैंने यहां पर लिख दिया। अब चलते हैं हम वापिस से इसके पास, पीछे चलते हैं थोड़ा सा, यहां से पीछे चलेंगे और 22 आपने यहां पर तो देख लिया, ये नंबर ऑफ बार लगी हुई है, इसको बाद में आप काउंट भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये अंदर, ये मैंने तीसरा वेरिएंट यहां पे क्लिक किया, यहां पे एक रिंग आई। ये रिंग कौन सी है, ये रिंग वो है जो आपके तीसरे नंबर पे दी गई थी, जो कि इनर में दी जाती है, इसको बोलते हैं मास्टर रिंग। क्या बोलते हैं इसको हम, मास्टर रिंग बोलते हैं। ये आपके इनर साइड दी जाती है, ये जो आप रिंग आप देख रहे हैं, इनका काम, इसका काम है आपके जो वर्टिकल बार है उसको होल्ड करके रखना, बांध के रखना इसका काम रहेगा, ये इसलिए मास्टर रिंग है। देखिए तीसरे नंबर पे दिया, चौथे नंबर पे देखिए, और यहां पर हमारे लेवल लगा दिए गए कुछ एक सर्टेन स्पेसिंग। अब देखिए स्पेसिंग क्या होता है, जितने लोगों को स्पेसिंग में यदि दिक्कत हो मैं यहीं बता देता हूं आपको स्पेसिंग क्या होता है, कैसे आप स्पेसिंग को समझ सकते हैं, अभी दिखा देता हूं, बस थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर दूं आप लोगों के लिए, इस 3D मॉडल को उठा के लाता हूं यहां से, देखिए ये, और इसको इस तरह से देखिए ये, अब देखिए यहां देखेंगे हम इसको जैसा कि ये दिख रहा है हमको, और इस मॉडल के अंदर हम पूरा डिटेल में देखेंगे अभी इसको, बस एक बार यहां से ये एडजस्ट हो गया ये। अब देखिए इसको एडजस्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको स्पेसिंग बता पाऊं, देखिए यहां दिखेगा स्पेसिंग आपको दो बार के बीच में, जो दो बार के बीच का डिस्टेंस है बेसिकली, देखिए ये जो बार आपको दिख रही है इन दो बार के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं स्पेसिंग, और ये कितने दूरी पर होगा ये तय करेगा आपका ड्राइंग। तो चलते हैं पहले ड्राइंग के अंदर, वापस से ड्राइंग के अंदर ले चल रहा हूं मैं आपको, और ड्राइंग के अंदर हम इसको देखेंगे कितने स्पेसिंग पे बेसिकली हमको ये दिया गया है। तो यहां पर देखिए ड्राइंग मैं निकाल लेता हूं आपके लिए, एक मिनट का समय दीजिएगा, इसको मैं क्लोज कर देता हूं यहां से, और क्लोज करने के बाद यहां पर देखिए स्पेसिंग अब आपको समझ में आएगा। देखिए मैंने आपसे क्या बोला कि यहां पर जो ये दिया गया है 22 नंबर बार दी गई है, देखो वर्टिकल बार 22 दी गई थी, ये वो 22 है, सेंट यहां पर जो डिस्टेंस दिया हुआ है, और देखो 300 mm ये दिख रहा है, यहां पर 300 mm भी दिख रहा है, ये 300 mm बार की शेप। इसके अलावा यहां पर जो तीसरे नंबर की बार थी ये थी आपकी मास्टर रिंग, जो मैंने अभी आपको दिखाई रेड कलर से जो दिख रही थी आपको, ये वो रिंग है, ये रिंग है भैया 1000 सेंटर टू सेंटर, मतलब 1000 cc, मतलब एक से रिंग से दूसरे रिंग के बीच की दूरी 1000 mm दी गई है, एक रिंग से बीच में दूसरे रिंग की दूरी 1000 mm दी गई है। और ये जो एक पहले नंबर का बार था जो आपको दिख रहा था ब्लू कलर से, ये था आपका वर्टिकल बार। आज हम मास्टर रिंग की बात नहीं करेंगे, आज हम आउटर रिंग की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे इस वर्टिकल बार की। तो वर्टिकल बार का डायोब बार कितना है, डायोब बार कितना है 25 mm का। तो देखिए 25 mm जाके हम क्या कर देंगे, यहां पे पुट कर देते हैं 25 mm को। तो मैं चलता हूं यहां पे आपके इसमें, और यहां लिखता हूं डाया ऑफ वर्टिकल बार, वर्टिकल बार का डाया ऑफ वर्टिकल बार जो कि आपका 25 mm का, 25 mm का ये वर्टिकल बार है आपका, ये हमें पता चल गया इतना चीज। दूसरा एक चीज और पता चला हमें जो कि यहां पर लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो क्या है कि यहां पर इस तरह से एक पाइल कैप दिया हुआ है, ये दिया हुआ है पाइल कैप, पाइल कैप के बाद ये एक सिलेंड्रिकल मेंबर है जिसको हम बोलते हैं पाइल, जो कि इस तरह से नीचे आएगा, ये इस तरह से आपका पाइल जो कि एक सिलेंड्रिकल मेंबर है वो इस तरह से क्या आएगा, नीचे आएगा। अब ध्यान से देखेगा दोस्तों और समझेगा इसको किस तरह से यहां से बना रहा हूं मैं, यहां पर कलर चेंज कर दिया, एक बार आई और बार में इस तरह से एक ये रेड कलर आया यहां पर, और ये एक बार है जो कि इस तरह से नीचे आई और यहां से ये ऊपर चली गई, कहां ऊपर चली गई, पाइल तक नहीं और ऊपर चली गई यहां तक, क्यों,
क्योंकि पाइल कैप के अंदर भी तो रेनफोर्समेंट होगा और उसके साथ भी तो बॉन्डिंग करनी होगी। उस बॉन्डिंग और कनेक्शन के लिए हमको बार ऊपर तक ले जाना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहां से लेके देखिए कहां से बोल रहा हूं मैं, यहां से देखिएगा, यहां से लेके यहां तक की दूरी है 1800 mm की। ये पाइल कैप है। क्या है ये? पाइल कैप। और ये क्या है? ये पाइल है। दोनों के बीच में कनेक्शन रहेगा। अब जरा यहां पर बात आई क्या कि भैया कटिंग लेंथ कैसे निकालें? तो इनके बीच में होगा एक कवर। इनके बीच में क्या होगा? कवर होगा। कवर कितने एमएम का लेंगे? 75 mm का लेंगे। लेकिन क्यों लेंगे 75 mm का? तो इसके लिए चलते हैं हम ड्राइंग के अंदर, और ड्राइंग में इसके कवर की डिटेलिंग भी हमको दी गई है। कहां दी गई है? आइए बताता हूं मैं आपको। देखिए यहां पर इसको हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं यहां से, और यहां पर हमें कवर की डिटेल गई। देखिए पाइल में 75 mm और पाइल कैप में भी 75 mm का कवर हमको दिया गया है। चलिए बहुत अच्छी बात, हमको ये मिल गया। अब इसके बदौलत हमें करना क्या है? देखिए इसके बदौलत हमें करना क्या है, यहां पर वापिस चलते हैं हम इधर। तो इसका मतलब यहां पर नीचे 75 mm का कवर दिया गया होगा। सेम इधर ऊपर भी हमको 75 mm का कवर दिया गया होगा। कवर यहां पर 75 mm का, और उसके बाद 75 mm के बाद भी यहां पर स्टील की जो मैश बनती है, ये हम पाइल कैप को आगे कभी देखेंगे, आगे के वीडियो लेक्चर में। पाइल कैप की मैश कुछ इस तरह से बनती है, मेन बार, और यहां पर बनेगी एक डिस्ट्रीब्यूशन बार। ये डिस्ट्रीब्यूशन बार, यहां तक हमारा क्या गया? पाइल का बार गया है, जो इसमें वर्टिकल बार है वो यहां तक गया है। हमें इसका निकालना है कटिंग लेंथ, कि कितना कटिंग लेंथ इसका होगा। आइए देखते हैं। उससे भी पहले एक चीज, यहां से यहां तक की दूरी कॉमेंट बॉक्स में चाहूंगा मैं आप लोगों से, ये दूरी कितनी है कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों से मैं जानना चाहूंगा ये दूरी कितनी है। और दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये जितने भी ड्राइंग्स और 3D मॉडल दिखा रहा हूं ये आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और कहां मिलेगा? इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, सारा चीज बताऊंगा कहां मिलेगा, और डेली आपको मिलता जाएगा ऐसे ही नोट्स और PDF आप लोग को मैं देता जाऊंगा। चलिए ये आंसर आप लोग ने अगर बता दिया बहुत अच्छी बात है। 10,665 mm है एज पर ड्रॉइंग, जैसा कि मैंने यहां पर भी लिख दिया है। चलिए आगे चलेंगे हम, अब इसका समझेंगे फॉर्मूला। आसान सा चीज बताता हूं आपको, फॉर्मूला से निकालेंगे हम। निकाल रहे हैं कटिंग लेंथ, देखिए क्या निकाल रहे हैं हम निकाल रहे हैं कटिंग लेंथ ऑफ वर्टिकल मेन बार, निकाल रहे हैं। किसका भैया? पाइल का। किसका? पाइल का। ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इसे कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला बनाते हैं, छोटा सा फॉर्मूला एकदम। तो इसका फॉर्मूला लेंथ अप टू COL तक की लेंथ। आप लोगों से जानना चाहूंगा COL की लेंथ कितनी है हमारी? COL तक की लेंथ है हमारे पास कितनी? 10,665, जैसा कि अभी आपने यहां देखा। देखिए यहां से लेके कट ऑफ लेवल है ये है COL कट ऑफ लेवल कितनी? 10,665। मैं गया इस फॉर्मूले के अंदर, ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं इस फॉर्मूले के अंदर, यहां पुट कर दिया 10.665 मीटर में कर ले रहे हैं। अगर मिलीमीटर में लोगे इसको सॉल्व करोगे तो 10,665 एज इट इज लिख देना। ये मैंने मिलीमीटर में कर लिया इसको, कि सारे यूनिट मीटर मिलीमीटर में, लास्ट में 1000 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर में आ जाएगा। इसके बाद इसमें प्लस करना है एल। अब ये एल क्या है? देखिए एल मतलब क्या, जो नीचे ये लैग दी गई है, ये जो लैग दिया गया है ये है 300 mm का, तो इसको भी हमें क्या करना है? पुट करना है यहां पर। तो एल हमने पुट कर दिया और यहां लिख दिया 300 mm का। चलिए अगर ये 300 mm समझ में नहीं आया कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं देखिए यहां पर 3D मॉडल में ले चलता हूं अगेन आपको। यहां पर 3D मॉडल हमारे पास ओपन है, इस 3D मॉडल में देख लेते हैं अगेन ये एल कहां पर है। जितने भी लोगों को डाउट यदि आ रहा है तो देखो मैं किसी का डाउट नहीं छोड़ना चाहता, और एक एक इंसान का डाउट यहां पे क्लियर करता हूं और एल बताता हूं एल कहां है। देखिए ध्यान से यहां पर अभी दिखाता हूं, यहां पर ये स्टील यार्ड पे क्लिक किया हमने। इसके बाद देखिए ये जो आपको दिख रहा है यहां पर एल दिख रहा है, ये इस एल की बात की जा रही है यहां पर। ये जो एल आप लोग देख पा रहे हैं इस एल की बात करिए, ये जो एल यहां पर दिख रहा है आपको, इसको थोड़ा सा इधर आके दिखाता हूं।
देखिए ये जो L आपको दिख रहा है ये है 300 mm का, इसकी बात करी जा रही है L की 300 mm की, और ये वर्टिकल बार है जो ऊपर पाइल कैप तक गया है, पाइल से लेके पाइल कैप तक गया है, ये उसकी बात की जा रही है। चलिए वापस चलते हैं इस 3D मॉडल से, हम इस 3D मॉडल को मैं क्लोज कर देता हूं, वापस से हम चलते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर L के बाद जो बात की जाएगी वो बात की जाएगी किसके बारे में, पाइल कैप के डिस्टेंस के बारे में। पाइल कैप का डिस्टेंस कमेंट बॉक्स में चाहूंगा मैं आप लोगों से, कितना पाइल कैप का डिस्टेंस है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए, पाइल कैप का डिस्टेंस कितना है, पाइल कैप का डिस्टेंस, पाइल कैप का डिस्टेंस है 1800 mm का, तो यहां पे 1800 mm हमने लिख दिया। कहां दिया हुआ है 1800 mm, ये दिया हुआ 1800 mm, ये है 1800 mm का पाइल कैप का डिस्टेंस, क्योंकि यहां तक हमारा वर्टिकल बार जो रेड कलर में बार दिख रहा है ये यहां तक गया है, इसलिए 1800 mm भी क्या लेना पड़ेगा हमको, डिस्टेंस मेंशन करना पड़ेगा। अब इसके बाद कुछ सब्ट्रैक्शन भी होगा। अब मुझे ये बताइए क्या 1800 mm ऊपर तक गया, ये बार नहीं गया, कवर रुक गया यहां पर, ये जो मेन बार दिख रहे हैं ये मेन बार रुक गया यहां पर, उसकी वजह से बार हमारा यहीं तक ही क्या हो गया, कट हो गया ये, और सेम नीचे भी कवर रुक गया, तो इस वजह से दोनों साइड के कवर, ये वाला कवर और ये वाला कवर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, माइनस कर दिया हमने ब्रैकेट डाल के कवर को, और कवर कहां पे, बोथ साइड, दोनों साइड हमको कवर क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे, प्लस, माइनस का साइन बाहर लगा दिया इसलिए यहां पे मैंने प्लस लिखा, प्लस करना पड़ेगा हमें बार। अब ये बार कौन सी, जो पाइल कैप की बार है उनको क्या करना पड़ेगा, यहां पर भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा अगेन, और देखिए पाइल कैप की बार कौन सी है, ये जो बार आपको दिख रही है ये यहां से इस तरह से बन के आएगी जाली, और यहां पर ये इस तरह से बार दिखेगा, इन बार को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। लेकिन ये बार का डाया कितना है ये तो हमने नहीं देखा, तो हमें पाइल कैप के बार के डाया को देखना पड़ेगा। तो चलते हैं वापस ड्रॉइंग में, चलिए ड्रॉइंग देखते हैं, यहां पर रेनफोर्समेंट ड्राइंग में जाना पड़ेगा, और रेनफोर्समेंट ड्राइंग के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, यहां से देखते हैं नीचे आके, देखिए यहां पर आइए नीचे, और नीचे देखिए ये पाइल कैप, पाइल कैप में ये वाला जो डाया दिख रहा है वो हमको दिख रहा है कितना, 20 mm का दिख रहा है यहां पर, डाया ऑफ बार कितना है, बार का डाया 20 mm का, पाइल कैप के ये ऊपर वाली जाली है, ये नीचे वाली जाली, ये ऊपर वाली जाली, हमें कौन सी जाली माइनस करनी है, ऊपर वाली जाली माइनस करनी है, तो 20-20 mm के डाया के दो बार हमको क्या करने पड़ेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। चलिए ये भी मिल गया हमको, और इसके अलावा एक चीज और सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, वो है हमारा बैंड। देखिए यहां पर बैंड हुआ है, जब बार को इस तरह से मोड़ा जाता है तो उसमें इलोंगेशन होता है, इलोंगेशन होने की वजह से उसका डिस्टेंस बढ़ जाता है, बढ़ने की वजह से हम पहले से बार को उतने में कट करें जितना हमें रिक्वायर्ड साइज चाहिए। तो देखिए यहां पर बैंड कितना हुआ है, देखिए एक बैंड हुआ यहां पर, देखिए इसको इस तरह से बैंड, ये इस तरह से बैंड हुआ, ये जो बैंड होता है इसको बोलते हैं 90 डिग्री बैंड, और 90 डिग्री बैंड के लिए 2D डी इज डाया ऑफ बार क्या करना पड़ता है, हमको डिडक्ट करना पड़ता है। तो यहां पर क्या किया हमने, यहां पर हमने 2D क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। देखिए माइनस कवर की बात करूं, बोथ साइड 2x75 का कवर है, प्लस का साइन, बार का पाइल कैप की बार जो है उसे सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेंगी, तो दो बार हैं, एक मेन और एक डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसलिए 2 की मल्टीप्लाई कर दी 20 से, क्योंकि 20 mm का पाइल कैप के डाया का क्या है, बार है, प्लस कर दिया हमने यहां पे बैंड डिडक्शन, बैंड डिडक्शन मतलब 90 डिग्री बैंड पे 2D क्या करा जाता है, डिडक्शन किया जाता है, तो 2 डाया ऑफ बार इज 25 mm, क्यों, क्योंकि वर्टिकल बार जो आपके पास मौजूद है इसका डाया ऑफ बार है कितना, 25 mm का, और 25 mm की बार को मोड़ोगे तो भैया 25 mm का बार का ही क्या करना पड़ेगा, डिडक्शन करना पड़ेगा। ये बन गया हमारा फॉर्मूला। तो आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा कमेंट बॉक्स में आपका आंसर कितना आया, यदि आप इसमें मिलीमीटर में निकालते तो आपका आंसर कितना आया, कैलकुलेट कीजिए सभी, समय दे रहा हूं क्योंकि एक छोटा सा कंसेप्ट और है, और उसके साथ साथ 3D मॉडल और ड्राइंग कहां मिलेगी इसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा समय कैलकुलेट करके जल्दी बताइए आप सभी लोग, आशु राय ने सवाल पूछा है व्हाट इज आर्च ब्रिज, बिल्कुल यार इसके बारे में बात करेंगे, पहले ये तो सीख ले ब्रिज, जो आरसीसी गर्डर ब्रिज होता है हम इसकी बात कर रहे हैं अभी, पहले ये सीख लो, आर्च ब्रिज भी इसी चैनल पर आपको मिलेगा पूरा डिटेल में। सर जी पेल क्या होता है हिंदी, यार क्या पूछना चाह रहे हो, पाइल, पाइल क्या होता है, देखिए पाइल जो है एक तरह का फुटिंग है मेरे भाई, पाइल क्या है एक तरह का
फुटिंग है जो कि क्या कहता है नीचे जाकर हमारे स्ट्रक्चर को खड़ा करने, स्टेबिलिटी देने में, स्ट्रेंथ देने में काम करता है, जो कि लोड को नीचे टू द ग्राउंड सरफेस भेजेगा। ऐसी जगह प्रोवाइड करते हैं जहां पर हार्ड सरफेस इजीली अडॉप्ट नहीं कर पाते, तो वहां पे हमें और नीचे जाना पड़ता है हार्ड सरफेस को ले अचीव करने के लिए। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग जल्दी कैलकुलेट करके मुझे बताइए कितना आंसर यहां पर आ रहा है आप लोगों का। और एनीवन एल्स, आज हमारे साथ आ रहे डिजिटल स्टूडियो चौधरी, विवेक रवि, माय लाइफ और आशु राय, इन्होंने कमेंट किया है। आप लोग आज के सेशन के बाद एक चीज जरूर पाओगे, वो है ब्रिज कंस्ट्रक्शन का कंप्लीट ड्राइंग और 3D मॉडल्स कहाँ मिलेंगे, मैं अभी आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाऊंगा। चलिए कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट कीजिए। एक लास्ट कॉन्सेप्ट और है वो बचा हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे आंसर आना चालू हुआ अमित पाउल का 12525। अमित पाउल का सबसे पहले आंसर आया यहाँ पे 12525 mm, मतलब कि 12.525 meter, मतलब 12.525 मीटर ये आया बार। अब यहां पे कुछ लोगों का कंफ्यूजन कि सर बार तो 12 मीटर का होता है, कैसे 12.525 मीटर देंगे हम, आंसर तो ये आया। तो मेरे भाइयों ऐसी कंडीशन पे जो 12 होता है, अब जरा इसका एक और कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं यहां पर, जो मैं आपसे बात कर रहा था अभी, एक कॉन्सेप्ट और बताऊंगा। वो कॉन्सेप्ट ये है कि जो स्टील की बार होती है ये होती है 12 मीटर की बार होती है। अगर आपका स्ट्रक्चर 12 मीटर से ज्यादा जा रहा है तो आपको उसको लैप करना पड़ता है, मतलब ये आपकी बार इस तरह से, ये बार आपकी इस तरह से और दूसरी बार आपकी कुछ इस तरह से आएगी नीचे से, और ये इस तरह से बैंड होके यहां पे लग जाएगा बार आपका। लेकिन और ये जो डिस्टेंस होगा इसको बोलेंगे हम यहां पर क्या बोलेंगे, लैप लेंथ। क्या बोलेंगे इसको, लैप लेंथ बोला जाएगा। आपके इस ड्राइंग के अंदर लैप लेंथ जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, देखते हैं यहां पर कितना दिया हुआ है, मुझे नहीं मालूम भाई, अब देखते हैं यहां पर लैप लेंथ कितना दिया हुआ है, देखते हैं यहां पर लैप लेंथ। देखो जो भी चीज होगी ड्राइंग से होगी, ड्राइंग के बिना कुछ नहीं। देखो 6 नंबर पर दिया है लैपिंग ऑफ द बार शैल बी 60 डिग्री, यदि आपको लैप देना पड़ जा रहा है तो 60 into dia ऑफ बार टाइम्स आपको लेना पड़ेगा, मतलब यहां से यहां तक का दूरी जो होगा वो होगा 60 into d, डी इज डाया ऑफ बार, और आपको पता है डाया ऑफ बार कितना होगा, 25 mm का होगा, क्योंकि वर्टिकल बार का डाया है 25 mm का। अब देखो समझने वाली बात क्या है यहां पर कि स्टील की बार की लेंथ मैंने आपको बताया 12 मीटर की, लेकिन जब हैवी स्ट्रक्चर्स की बात आती है, जब हैवी स्ट्रक्चर्स की बात आती है रेनफोर्समेंट बहुत क्वांटिटी में लगाया जाता है, तो क्या करते हैं रोलिंग मिल्स जो होते हैं, रोलिंग मिल मतलब जहां पे स्टील की बार बनाई जाती है, यहां पर ऑर्डर कर दिया जाता है, ऑर्डर कर दिया जाता है जिस लेंथ की हमको बार चाहिए उस लेंथ की। जनरली साइड पर ऐसी जगह में हमने देखा गया है 13 मीटर का भी आता है बार, 15 मीटर के बार भी आते हैं, ऐसे सो ऑन अप टू ये नंबर ऑफ बार की भैया लैप ना देना पड़े, क्योंकि लैप देना पड़ रहा है तो ऑब्वियसली लैप देके हमने स्ट्रेंथ तो बताई लेकिन वो कम होती है एज कंपेयर टू अगर हमने सीधा बार प्रोवाइड किया है। तो इसलिए ऐसे कंडीशन में बार हम जो है ऑर्डर पे अपने साइज के अकॉर्डिंग प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके साइट पे ऑर्डर पे साइज आया है, आपको देखो हमेशा जब भी आप साइट पर मौजूद हैं आपको अपने आंख कान नाक सब खुला रखना है, आपको चेक करना है कि वहां पर स्टील बार कितने मीटर का आया है। यदि वो आपका स्टील बार 12 मीटर का आया होता और आपकी कटिंग लेंथ 12.525 मीटर है तो भैया इस वाले फॉर्मूले में एक चीज और ऐड कर लेना, 60D ऐड कर लेना इस फॉर्मूले में, 60D और ऐड कर लेना, सेम यहां पर भी 60 into 25 ऐड और कर लेना, लगभग 1500 मीटर आपका और इंक्रीज हो जाएगा, लगभग 1.5 इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन यदि आपके साइट पर स्टील बार 13 मीटर का आया तब ये 60D ऐड मत करना, यदि आपके साइट पर 13 मीटर का बार आया है तो 60D ऐड मत करना, तब तो आप 12.525 का बार इजीली क्या करवा सकते हो, कटिंग करवा सकते हो, इस बात का बेहद ही ध्यान रखना। मैं मान के चलता हूं चलिए आपकी साइट पर 12 मीटर का बार आया, अब ये आपको देखना है मुझे नहीं, ये आपको देखना है, मैंने तो दोनों कॉन्सेप्ट बताए। यदि आपके साइट पर 12 मीटर का बार आया तो मैंने इस फॉर्मूले में 60D क्या कर दिया,
इनपुट कर दिया जिसकी वजह से ये फॉर्मूला बना। और यहां पर आप लोगों से मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में भी, और मैं भी यहां पे कैलकुलेट कर लेता हूं कि 12.525 में 1.5 ऐड करूंगा तो 14.025 होता है, तो आंसर इज 14.025 मीटर। तब इतने लेंथ का हमें क्या करना पड़ेगा, बार को कटवाना पड़ेगा। लेकिन किस केस में, यदि आपकी साइड पर स्टील बार 12 मीटर का है, लेकिन मैक्सिमम सिचुएशन में 12 मीटर ऐसा जरूरी नहीं है आएगा, तो आपको 60D ऐड नहीं करना रहेगा। तो ये दोनों कंसेप्ट आज के इस क्लास में आपने सीखे। आज हमने देखा वर्टिकल बार के बारे में, आपको देखो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, इसका फोटो आप ले सकते हैं जो यहां पर है अवेलेबल। फिर मैं आगे चलता हूं, चलिए तो आगे चलता हूं। आप लोगों से एक बात यहां पर और करना चाहूंगा मैं, वो देखिएगा कि जो आप 3D मॉडल आपने देखा अभी, फिर से दिखाता हूं 3D मॉडल। ये देखिए इतने सारे 3D मॉडल अवेलेबल हैं, ये सारे 3D मॉडल देने आया हूं मैं आज, आज के क्लास का मतलब ही यही है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा एक बात, यहां पर कल क्या सीखने वाले हैं हम वो भी बता देता हूं मैं आज आपको। तो यहां पर देखिए ये हमारी स्टील बार थी, अभी ये जो आप बार देखी अभी आपने, ये है वर्टिकल बार जो आज हमने क्या करा है, कैलकुलेट किया है। ये वर्टिकल बार क्या किया हमने आज, कैलकुलेट किया है। देखिए ये वर्टिकल बार, ये जो आप देख रहे हैं, ये वर्टिकल बार हमने क्या करा है, कैलकुलेट किया है। कल जो हम कैलकुलेट करेंगे, जो इनर में आप जो ये दिख रहे हैं, ये जो आपके रिंग आई हैं, इनको बोला जाता है मास्टर रिंग। क्या बोला जाता है इसको, मास्टर। एक रिंग आई है मास्टर रिंग, इनर में लगी है, कल इसका कटिंग लेंथ निकालना मैं ही सिखाऊंगा आपको। देन आप देख रहे हैं यहाँ पे और रिंग आ गई, फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये देखो आउटर में देखो येलो कलर की जो रिंग दिख रही है आपको, इसकी बात करें येलो कलर की जो रिंग दिख रही है ये निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर तीन तरह की बार है, फिर से बताता हूं। देखो सबसे पहले ग्रीन कलर की आपको बार दिख रही है, ये है वर्टिकल बार, कितनी लग रही है 22। दूसरा ये रेड कलर की बार दिख रही है जो कि मास्टर रिंग है, ये हम कल निकालना सीखेंगे। इसके बाद लास्ट है आपका ये जो आपको येलो कलर की बार निकाल रही है, ये भी हम कल ही निकालना सीखेंगे, क्योंकि आज की क्लास बहुत लंबा हो गया है, कल हम इसको आगे और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आपसे मेरे जो बात थी कि ये कहां मिलेगा, आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है इसको प्राप्त करने के लिए, इसको जानकारी लेने के लिए। उससे पहले एक चीज और समझ लीजिए, नंबर ऑफ बार है 22, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 12.525 मीटर की कर देंगे तो टोटल मीटर में ये पता चल जाएगा आपको कितना मीटर बार लगाया जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ बार कितना लगाया जा रहा है। बस करना क्या आपको 12.525, एक मीटर एक बार का, ये एक बार है लेकिन नंबर ऑफ बार लग रही है 22, तो आपको 22 से मल्टीप्लाई करके टोटल मीटर में बार आपको पता चल जाएगी कितनी लगने वाली है। चलिए तो आप निकाल लेंगे, लेकिन ये मॉडल कहां मिलेंगे, आप लोग को पता है सिविल गुरुजी की एंड्रॉइड, जैसे कि आप प्ले स्टोर चलाते हैं, प्ले स्टोर ध्यान से यार इस चीज को लिख लो, ये जो दे रहा हूं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, आप चलाइए तो सही। प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर पे अगर आप लोगों ने सिविल गुरुजी की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लो, सिविल गुरुजी की एप्लीकेशन लिखना है, ये सिविल गुरुजी डाउनलोड करना है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप लोग साइन अप कर लेना, जब भी आप पहली बार किसी एप्लीकेशन पे जाते हैं तो आप साइन अप करते हैं, आपको पता है फेसबुक इंस्टाग्राम सबने चलाया, सबने साइन अप किया है मेरे भाइयों, तो साइन अप कर लेना। साइन अप करने के बाद आप लोग, साइन अप करने के बाद आप लोग स्टोर का एक ऑप्शन दिखेगा आपको नीचे साइड बॉटम साइड, स्टोर का ऑप्शन दिखेगा, स्टोर के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको जाना है फ्री कोर्सेज में, फ्री कोर्सेज में, फ्री कोर्सेज में जाना है, और फ्री कोर्सेज के बाद, फ्री कोर्सेज के बाद आप लोग जो है वहां पे एक कोर्स दिखेगा आपको ब्रिज कंस्ट्रक्शन का, ब्रिज कंस्ट्रक्शन का कोर्स दिखेगा, बस वहीं से उसको बाय कर लेना। बाय, अब आप कहोगे सर फ्री बोल रहे हो बाय क्यों करें, फ्री बोल रहे हो बाय क्यों करें, भाई बाय करना है, कोई 0 रुपीज प्राइस है इसका, जो प्राइस है वो है 0 रुपीज, बाय तो करना पड़ेगा लाइब्रेरी में आने के लिए। ये कोर्स आ जाएगा फ्री में, कोई पैसा पे नहीं करना मेरे भाई। फिर इसके बाद ये कोर्स आ जाएगा आपके लाइब्रेरी के अंदर और इजीली आप इसको पढ़ना चालू कर सकते हैं, इन ड्राइंग को डाउनलोड कर सकते हैं, इन 3D मॉडल्स को अपने हाथों से रन कर सकते हैं। मैं कहना चाहूंगा अपनी टीम मेंबर से, डिस्क्रिप्शन में अगर हो सके तो इस ब्रिज कंस्ट्रक्शन कोर्स का लिंक दे दो, हो सके तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दो, ये जो आपके पास लिंक अवेलेबल है जो मैंने भी शेयर किया था आपको ब्रिज कंस्ट्रक्शन का, वो लिंक अगर हो सके तो हमारे व्यूअर्स को शेयर कर दो, वहां से जाके ये डायरेक्टली देख लेंगे। बने रहिए कमेंट सेक्शन में, अभी देखिए एक लिंक आ रहा है, मैं ही पोस्ट कर देता हूं, चलिए इसको मैं पोस्ट करता हूं आपके लिए ये लिंक, मेरी जिम्मेदारी है, आप सभी लोग जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लो क्या मैंने प्रोसीजर बनाया है इसका आप लोग के लिए। और देखिए बाकी सभी लोग के लिए मैंने ये देखिए अभी मैंने ये शेयर किया है आपके व्हाट्सएप, इसमें लिंक शेयर किया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। इस वीडियो को दोबारा आके देखना तो आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर, देखिए दोबारा भी नहीं, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक आ गया, यहां पर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक आ चुका है आपके इस कोर्स का, आप लोग कोर्स के लिए कॉल कर सकते हैं।
दूसरा, कुछ अधिक जानकारी आपको ब्रिज कंस्ट्रक्शन के बारे में जानना चाहते हैं, मेरी काउंसलिंग टीम को आप कॉल कर सकते हैं। नंबर है 9111001234। ये नंबर मेरी काउंसलिंग टीम का, आप इस पर कॉल कर सकते हैं इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए। आपको इससे रिलेटेड जो कोर्सेज चाहिए, डेफिनेटली सिविल गुरुजी इस पे काम कर रहा है आप लोगों के लिए। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और दूसरा इस वीडियो को शेयर जरूर करना यार, कि और लोगों तक भी ब्रिज कंस्ट्रक्शन की बात पहुंच पाए। यदि मैं आपके लिए कुछ मेहनत कर रहा हूं तो आपका भी फर्ज बनता है उस मेहनत के लिए प्रोत्साहन करने का। और दोस्तों, आप सभी लोगों को इससे रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन, इस वीडियो को देखने के बाद या बाद में कभी आपको पता चलता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल दोबारा से 6 बजे आऊंगा, मेरी टीम और मैं खुद आप लोगों के लिए 6 बजे आ रहे हैं। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।